नमः शिवाय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष सोमवार एकादशी तिथि शाम 4:30 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में दोपहर 1 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, दानी, संतोषी, धार्मिक भावना वाले और यशस्वी होते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान, वैभवशाली, हिम्मती, दृढ़ निश्चय और तर्कशास्त्र में निपुण होते हैं। वैज्ञानिक कार्यों में रुचि रखने वाले, सुविधा संपन्न, स्पष्टवादी और मित्रों के सहयोगी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दिन भर वृश्चिक राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी मंगल देव हैं। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद पुनः इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा। मानसिक उत्साह में वृद्धि होगी, मगर मन में नकारात्मक विचारों का उठना स्वाभाविक है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी। नई कार्य योजनाओं का प्रस्ताव और उसके विकास के प्रति उत्साह और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा का योग भी बनता है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। नसों से संबंधित दिक्कतें और हड्डी संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश का योग बनता है। नई कार्य योजनाओं में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और साझेदारी सफल रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और आपकी योजनाएं पूरी होंगी। निजी निवेश लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। राजकीय मामलों में सहयोग बना रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा आपकी राशि से छठवें चल रहे हैं और आपके राशि स्वामी बुध, राहु और सूर्य के साथ दूसरे भाव में चल रहे हैं। यदि कोई समस्या पहले से चली आ रही है तो उचित चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक होगा और आज का दिन आशंकाओं से भरा रहेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और नई कार्य योजनाओं के विस्तार का मौका मिलेगा। सरकारी कामकाज से भी लाभ संभव है। पारिवारिक माहौल संतोषप्रद रहेगा और विद्यार्थियों को सफलता संभव है। प्रयास जारी रखें। कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और प्रेरणा के स्रोत माने जाएंगे। रुकी हुई या अधूरी पड़ी योजनाएं पूरी होंगी और सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव आएंगे और अतिरिक्त जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी। साझेदारी में लाभ संभव है। कार्य क्षेत्र के विस्तार करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और संतान संबंधी बाधाएं खत्म होंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास पूरे होंगे और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ अपेक्षित हैं। सिंह राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और खर्च की स्थिति बनी रहेगी। प्रयासों में सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर पेट संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। बुध का सूर्य और राहु के साथ होना स्वास्थ्य और मानसिक भ्रम के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट व अड़चन का संकेत देता है। दैनिक जीवन की क्रियाशीलता में थोड़ा उतार चढ़ाव संभावित है, फिर भी आज का दिन आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग करेगा और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। मित्र व संबंधियों से सही दिशा निर्देश जारी रहेगा। कुछ रुकते हुए काम शाम तक पूरे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें।
तुला राशि वाले जातकों के लिए सेहत और आंतरिक ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, मगर व्यावसायिक योजनाओं के प्रति मन में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इस दौरान अपनी योजनाओं में लिए गए कुछ निर्णय को सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी और किसी काम में देरी की संभावना भी बनती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। रुके हुए या विवादित मामलों में सावधानी अपेक्षित है और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक स्थिरता और संयम की आवश्यकता है। वाणी में तीखापन और कार्य योजनाओं में जल्दबाजी और व्यग्रता संभावित है। किसी भावनात्मक पहलू की बारंबारता दिमाग में बनी रहेगी, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत महसूस होगी। निजी संबंधों और पारिवारिक सलाह की प्रेरणा लेते हुए कार्य योजनाओं को संपन्न करें, सफल रहेंगे। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि वाले जातकों को अत्यधिक ऊर्जा महसूस होगी। आपका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक बढ़ा हुआ होगा। हालांकि वाणी में प्रखरता और तेजस्विता परिलक्षित होगी और अनावश्यक उत्तेजना का दौर आता रहेगा। अपने आप को धैर्य और संयम के साथ नियंत्रित करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में रुकावट और गड़बड़ी का अंदेशा बनता है, जबकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में लाभ मिलेगा। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और यात्रा का योग बनता है। मकर राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता और आर्थिक लाभ में सहायता मिलती रहेगी। बुध, राहु और सूर्य के सातवें भाव में होने से क्रियाशीलता और आत्मविश्वास में कमी व स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता बनी रहेगी। निजी मामलों में जटिलताएं संभावित है। अनावश्यक खर्च का योग भी बनता है। हालांकि अपनी योजनाओं को कुशलता से नियंत्रित करते रहेंगे। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आत्मसंयम आवश्यक होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द और निजी संबंधों में तालमेल बनाए रखना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता, आत्मविश्वास में कमी और रचनात्मक प्रयासों में बाधाओं का संकेत मिलता है। हालांकि व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने का प्रयास करें। आपकी स्पष्ट सोच और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल लाभदायक माहौल पैदा कर सकता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विवादित योजनाओं में समझौता करना लाभदायक रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी। सामाजिक व्यस्तता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। धैर्य और संयम से काम लेते हुए कार्य क्षेत्र में लगे रहें, सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं में सफल शुरुआत संभव है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सहयोग और प्रेरणा जारी रहेगी और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर कुछ कामों में नकारात्मक भावना भी पैदा हो सकती है, जिससे आपकी दक्षता प्रभावित होगी। हालांकि वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।